डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। बेसिकली आज मैं कुछ ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट रिवीजन जरूर कराने वाला हूँ। ये आपका रिवीजन क्लास है बेसिकली। किसका? फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमने शुरू किया था, मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है, हमने सबसे पहले जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था दो चीज। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने जो है बताया था कि वाइब्रेशन, ठीक ना, हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था हार्मफुल कहाँ है, मशीन में मैक्सिमम जगह पर हार्मफुल ही मिलेगा आपको। यूजफुल कहाँ पर मिलेगा? यूजफुल हर जगह पर। जैसे आप दौड़ते घूमते फिरते हैं तो एक्चुअली क्या, बॉडी को जो है वाइब्रेट करते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू वाइब्रेट योर बॉडी, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग दी मसल पावर, यू आर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है ना, तो ये जो है वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ बताया था कि वाइब्रेशन कैसे हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन यदि मशीन की बात करें, ठीक ना, तो वह जो है हार्मफुल भी है। ठीक ना, और जो है वाइब्रेशन की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली म्यूजिकल ड्रम से शुरू हुई थी। ठीक ना, म्यूजिकल ड्रम से, क्योंकि म्यूजिकल कोई भी इक्विपमेंट्स आप देखते हैं वो एक्चुअली क्या, साउंड वेव है। ठीक है, लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन सच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनली वाइब्रेशन बिकेम ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वन एंड ऑल, इवन फॉर म्यूजिशियन, फॉर साइंटिस्ट एंड ऑल दोज। ठीक है ना, फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि ये वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ वहीं होता है जहाँ पर इलास्टिसिटी प्रजेंट है, जहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस स्प्रिंग को आप डिस्टर्ब कर देते हैं, क्या कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए, और फिर छोड़ देंगे आप, ठीक है ना, तो इट विल वाइब्रेट अप टू सम एक्सटेंट एंड आफ्टर दैट इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है ना, तो ये वाइब्रेशन ही वहां पर जो है क्या है आपकी इलास्टिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था तो मैंने आपको रीजन बताया था कि क्यों वाइब्रेशन होता है। तो मेन रीजन जो है आपका क्या है, अनबैलेंसिंग। ठीक है, अनबैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस, अनबैलेंसिंग ऑफ, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, 15-20 मिनट का वीडियो है। ठीक है, अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्स, जहाँ भी अनबैलेंस होगा, ठीक है, वहाँ पर जो है चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते हो या किसी भी फोर्स के चलते, वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। दूसरा था आपका मिस अलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट, मिस अलाइनमेंट। ये तो लाइफ में भी होता है, कोई दो दोस्त हैं और यदि दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, मिस अलाइंड है, अलाइंड नहीं है थॉट प्रोसेस, तो वहाँ दिक्कत होती है। आप देखते हैं शादी विवाह होता है, फिर कुछ दिन के बाद तलाक भी होता है। शादी के पहले एक कहता है कि मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी, ठीक ना, कुछ दिन के बाद वही लड़की कहती है कि चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। तो ये मिस अलाइनमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस है बेसिकली। यही मिस अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट यदि ले लेंगे हम मशीन के अंदर, दैट विल क्रिएट वाइब्रेशन। फिर लूज्ड पार्ट्स, ठीक ना भाई, आप भी कपड़े पहनते हैं तो क्या पहनते हैं कि जो है फिट हो, ठीक ना, फिट होगा तो कंफर्टेबल होगा। उसी तरह से जैसे कि हम म्यूजिकल ड्रम की बात करें, अब गिटार बजा रहे हैं उसकी वायर बहुत ही लूज है, या ढोलक बजा रहे हैं, देखते हैं ढोलक टाइट करते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है कि लूज्ड पार्ट होगा तो वाइब्रेशन होगा, अननेसेसरी वाइब्रेशन होगा। ठीक है ना, उसको अननेसेसरी वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, फिर एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ठीक है ना, एक्सटर्नल एक्साइटेशन, तो ये सब जो है अननेसेसरी एक्साइटेशन फोर्स लग रहा है, रेंडम फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें क्या है, अनबैलेंस हो जाती है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, तो वहाँ पर जो है आपका वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उसके बाद जो है हम सेकेंड जो है वीडियो में बताए थे स्कोप एंड सिलेबस बताए थे। तो सिलेबस एंड स्कोप में हमने आपको पांच यूनिट बताया था, पांचों यूनिट। पहला यूनिट जो है आपका क्या है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रख लीजिए। पहला जो आपका यूनिट है
वह तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल और अनडैम्ड वाइब्रेशन। अनडैम्ड वाइब्रेशन क्या होता है अभी बताएंगे हम, ठीक है ना, अनडैम्ड और उसमें भी फ्री। उसके बाद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताए थे, फोर्स्ड वाइब्रेशन बताएंगे और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बताएंगे, नॉइज और ये सारी चीज़ें। और बेसिकली स्कोप हम बताना चाह रहे थे कि यदि मैकेनिकल वाइब्रेशन आप समझना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे सॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, टॉम थ्योरी ऑफ मशीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मशीन डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि यदि वाइब्रेशन आपको अच्छे से आता है तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। ये जो है एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, वाइब्रेशन के क्वेश्चन के जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं, इसका मतलब होता है ये सारे सब्जेक्ट्स आता है। क्योंकि वाइब्रेशन जो है किसके कारण आएगा, यही सब चीज़ें हैं ना, पुअर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, पुअर डिजाइन हो सकता है, ठीक है ना, और जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, प्रोसेस प्रॉब्लम हो सकता है, अनप्लीजेंट स्ट्रेस हो सकता है, रिड्यूस्ड स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन यूजफुल कहाँ पे होता है ये हमने आपको बताया कि यूजफुल बेसिकली जब आप कन्वेयर की बात करेंगे, ठीक है ना, कन्वेयर आप देखे होंगे, हॉपर्स देखे होंगे जो किसान लोग बीज बोते हैं, सीव्स की बात करेंगे तो वहाँ तो यूजफुल है आपके बॉडी का हमने बताया, ठीक है ना। लेकिन हार्मफुल कहाँ पर है, मशीनरी में, मशीनरी में हार्मफुल क्यों है, इन सब कारणों से वाइब्रेशन हो सकता है और डिजाइन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, मशीनिंग प्रॉब्लम हो सकता है, कास्टिंग फोर्जिंग, ये सारे चीज़ों में वाइब्रेशन हार्मफुल है। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक में हमने बेसिक जो है, थर्ड लेक्चर में हमने, थर्ड वीडियो में आपको हमने टर्म्स बताए थे, कौन कौन से टर्म्स होते हैं उनको एक बार हम लोग देख लें। यही हमने बताया था ना, एलिमेंट्स ऑफ द वाइब्रेशन, स्प्रिंग, डैम्पर, मास। तो पहला हमने टर्म बताया था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ए मोशन विच रिपीट इट्सेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ये लेक्चर नंबर थर्ड में जो है, आप लेक्चर नंबर थर्ड में जाएंगे ये चीज़ आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड बताए थे, टाइम टेकन टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ द वाइब्रेशन। यदि हम ऐसी बात करें तो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ से चल करके फिर यहाँ पे आने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ठीक ना। इसके बाद फ्रीक्वेंसी को ही हमने तीन चार तरीके से बताया था कि आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकता है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, रेजोनेंस हमने बताया था, एम्पलीट्यूड, ठीक ना, मैक्सिमम टू एंड फ्रो मोशन तो होगा लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है ना, ये हमने आपको बताया था कि जब एक्सीलरेशन, ठीक है ना, जब एक्सीलरेशन जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब ऑलवेज टू आर्ड्स दी मीन पोजिशन हो, तो उसको हम लोग SHM बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दुनिया का हर मोशन हार्मोनिक मोशन हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ये लेक्चर नंबर थ्री में जा करके देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझाया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर या कोऑर्डिनेट टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए मास। तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था वाइब्रेशन में, याद रखिएगा कि दो तरह का होगा, या तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, या मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब एक से जब ज़्यादा होगा, दो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसको मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलते हैं। मास एक है तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और यह दो है, तीन है, चार है, तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डैम्पर का कॉन्सेप्ट समझाए थे, डैम्पर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी हमने समझाया था, और डैम्पर का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से हम लेक्चर नंबर 10 में भी बताएं, फिर लेक्चर नंबर 26 में भी बताएंगे, ठीक है ना, विस्कस डैम्पर का, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग का, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग बताए थे, विस्कस डैम्पिंग, सॉलिड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डैम्पिंग, सॉलिड डैम्पिंग, इंटरफेसियल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस भी बताया था हमने। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने आपको हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट बताए थे दोस्तों, क्योंकि हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए पार्ट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये जो है पूरा हमने
लेक्चर नंबर 6 याद रखिए, ताकि हम इसलिए ये हाइलाइट्स बता रहे हैं कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, और प्लस रिवीजन होने के साथ साथ जो है आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए और ये भी पता चल जाए किस लेक्चर नंबर में क्या है, ठीक है ना। तो ये हमने हार्मोनिक मोशन बताया था आपको, ठीक है ना, क्या होता है हार्मोनिक मोशन, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये सब बताने के बाद हमने कुछ ये मोशन भी ये किया था, और जब हार्मोनिक मोशन सिंगल हो तब तो ठीक है, लेकिन डबल ट्रिपल हो तो एडिशन ऑफ द हार्मोनिक मोशन हमने बताया था, मैकेनिकल वाइब्रेशन में एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। ये देखिए एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, यही लेक्चर नंबर 7 है आपका, ठीक है। फिर इनको एडिशन करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट इस तरह का ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, आई थिंक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, याद रहना भी चाहिए, ठीक है ना। फेज डिफरेंस का जैसे एम्पलीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है, तो एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, मैंने एक दूसरे से कितना आगे है, इसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं, और इसको फाई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब जब एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन पढ़ाए थे, उसी में एडिशन में जब दो हार्मोनिक मोशन को आप एड करते हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट है, देयर इज ए डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो दिस डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बेसिकली बीट। इसको हमने हार्ट बीट से भी आपको रिलेट किया था, किससे रिलेट किए थे, हार्ट बीट से, ठीक है ना। इन दोनों को हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने एडिशन किया है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ज़्यादा होगा एक थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। इसको हमने लिख भी दिया था, आप भी इसको एक तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको, ठीक है ना। कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपन ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपन टू इंटू टी, ठीक है, ये हमने डिफिनेशन लिख दिया था। व्हेन टू हार्मोनिक मोशन पास थ्रू सम पॉइंट साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ से एक किया और दूसरा भी यहीं से पास कर गया, मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो जहाँ पर एडिशन निकालेंगे साइमल्टेनियस, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सुपर पोजिशन ऑफ टू वे मोशन इज कॉल्ड सुपर पोजिशन, एक के ऊपर दूसरा चढ़ गया, ठीक है ना, एक के ऊपर दूसरा चढ़ गया या एक दूसरे से कॉन्साइड कर गया, ठीक है ना। कई बार होता है ना मेला में हम दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, अब टकरा गए तो क्या है कि विचार मिल गया, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी मिल गया तो मज़ा आ गया, नहीं मिला तो यही इंटरफेरेंस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा विचार मिल गया और हम दोनों के बीच जो है एक रिलेशन मेंटेन हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट, ठीक है ना। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस द बीट, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम पोजिशन इज कॉल्ड बीट। मैक्सिमम से मिनिमम पोजिशन को जो रिपीट करेगा उसी को हम लोग बीट कहते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड याद रखिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं, ए वन प्लस ए टू, और मिनिमम याद रखिएगा ए वन माइनस ए टू, ये याद रखिएगा। और बीट जो है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन पाई, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे हमने निकाले थे, ये सब एडिशन वगैरह इसकी जो है पूरी डिटेल हमने निकाला था कि कैसे क्या होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 2a, मिनिमम कितना हो सकता है 0, ये अभी हमने बताया ना कि मैक्सिमम 2a मतलब दोनों सेम हो गया तो 2a हो जाएगा, और दोनों सेम हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन में ही ये सारी चीज़ें हमने बताया था, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन के चलते जब मास के ऊपर हार्मोनिक मास है और इसमें हार्मोनिक मोशन हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई हार्मोनिक फोर्स हम निकाले थे, ये हम समझाए थे, तो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स आप लगा रहे हैं और मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, मोशन, मोशन होगा मतलब वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी होगा, इसका मतलब कि वर्क डन निकल सकता है, तो ये हमने वर्क डन बाई हार्मोनिक फोर्सेस निकाले थे, ठीक है, ये हमने आपको समझाया था। और ये कई जगह पर आपको आएगा, जब हम लेक्चर नंबर 41-42 पढ़ाएंगे उसमें भी ये लेक्चर नंबर 9 काम आएगा, ठीक है। तो ये सब हमने समझाया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी वर्क डन हो गया, कैसे निकाले थे हार्मोनिक फोर्स, क्यों निकाले थे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में इंटीग्रेशन समझाए थे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम
आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है, ठीक है ना, और एक बार नहीं कई बार हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने मेथड ऑफ द वाइब्रेशन एनालिसिस बताए थे, ठीक है ना, कि कौन कौन से मेथड हैं। इस मेथड को हम देखें उसके पहले, ठीक है ना, हम जो है आपको मैथमेटिकल कुछ एनालिसिस बताए थे, जैसे कि फूरियर सीरीज। चूंकि हमने आपको कई बार बताया है कि मैकेनिकल वाइब्रेशन मतलब कि फाउंडेशन इसका क्या है, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भी कई सारे मिलेंगे आपको, ठीक है ना, तो उसको हमने बताया था। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमने फूरियर सीरीज मतलब कि जब आप वाइब्रेशन निकालते हैं तो देयर विल बी इंटरवल, ठीक है ना, इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, ये साइक्लिक मोशन, ठीक है ना, मतलब ये जैसे साइक्लिक है ऐसे, तो कोई पॉइंट ऐसे घूम रहा है तो घूम रहा है। हम लोग जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, मंदिर जाना चाहिए। अब बोलिएगा सर मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो मंदिर जाने से ये मिलता है दोस्तों, थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या होता है, कि आप घर में बैठे हैं तो सिर्फ बैठे हैं, कुछ मिल रहा है क्या, कहीं जा रहे हैं क्या, नहीं, बैठे हैं मतलब बैठे हैं। लेकिन ट्रेन में भी आप क्या है, बैठे ही हैं, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। आप घर के सोफा पे बैठे हैं कि ट्रेन में बैठे हैं, बैठे ही हैं, लेकिन आप यहाँ पहुँच कहीं नहीं रहे हैं और यहाँ पर कहीं से कहीं पहुँच जा रहे हैं। उसी तरह से आप जब मंदिर जाते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, अर्थात आपकी जीवन में उन्नति होती है, सकारात्मक विचार आते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा के लिए मंदिर जाना चाहिए, वहाँ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, यदि वाइब्रेशन की हम बात करें तो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एम्पलीट्यूड इंटरवल 0 से π 2π एक इंटरवल, -π से पाई दूसरा, पाई के टर्म में जब निकालेंगे तो एल के टर्म में निकालेंगे तो 0 से 2l, -l से l। तो ये फूरियर सीरीज का एप्लीकेशन हमने बताया था। इसके एप्लीकेशन के साथ ही ये कैसे हम डेवलप करते हैं ये सब बताए थे लेक्चर नंबर 12 में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 12 में ये आप देख सकते हैं कि कैसे हम ये फूरियर सीरीज निकालें, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये एल के टर्म में, ये पाई के टर्म में जब निकालेंगे तो एल इक्वल टू पाई रख देंगे, तो ये इक्वेशन याद रखिएगा। फिर ये ए जीरो, ए नट, ए एन, बी एन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उसको आइए देख लेते हैं। ये आपने डिफाइन किया, ठीक है, अब ये ए एन बी एन, ये ओमेगा टी के टर्म में, ठीक है ना। अब ये पीरियोडिक मोशन है तो टाइम पीरियड टी हमने मान लिया है, ठीक है, ये फंडामेंटल। अब इसमें जो आप ब्रेक करेंगे तो ए वन कॉस ओमेगा टी और बी वन साइन ओमेगा टी जोड़ लिए तो फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने कई सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 12 मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 12 को, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सब कॉस स्क्वायर एन एक्स, साइन एम एक्स, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एम एक्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, आप या तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है ना, या लेक्चर नंबर 12 में, क्या लेक्चर नंबर 12 मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, ये सब हमने निकाला, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। फिर अब हम फूरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट पे आए हैं, ये ए नट, ए एन, बी एन निकाल करके आपको बताएं, ठीक है। तो इस तीनों फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। ये हमने कुछ और हमने बताए थे न्यूमेरिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद हमने वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व, जो अभी तक हम पढ़े, ठीक है ना, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ यू विल सॉल्व, ठीक है ना। अब ये सारे एस्पेक्ट्स तो आपको मालूम है कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को डिफाइन करते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट से, और इसके अंदर फोर्स निकल करके आएगा के एक्स, और डैम्पर को डिफाइन करते हैं डैम्पिंग कोफिशियंट से, और इसमें जो फोर्स निकल करके आएगा सी एक्स, और आपको इक्वेशन भी हमने बताया एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन बताए अभी हम आपको, यही इक्वेशन बताए कि नहीं, ठीक ना, आप देख लीजिए। यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन है यहाँ पर देखिए, ये एलिमेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन, एलिमेंट्स ये तीन बताए आपको, ठीक है ना, और हमने बताया कि मास
हो गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, और ये डैम्पिंग कोफिशिएंट सी हो गया, ठीक है। और मास को चाहिए एक्सेलरेशन, तभी फोर्स निकल पाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल गया, फोर्स। यहाँ के इंटू एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स डैम्पिंग, सॉरी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डैम्पिंग कोफिशियंट को वेलोसिटी से, तो फोर्स निकल जाएगा। एंड ऑल दीज थ्री फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ये हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग और मास का क्या रिलेशन है, डैम्पर कैसे काम करता है, डैम्पर कितने तरह का होता है, तो चार तरह का होता है, विस्कस डैम्पर, कूलम डैम्पर, सॉलिड एंड स्लिप, ठीक है ना। फिर ये इक्वेशन को यहाँ पर हमने समझाया था कि मास के लिए हमेशा ये टर्म याद रखना है, स्प्रिंग के लिए ये याद रखना है, डैम्पर, ये भी इक्वेशन जो है आपको पूरा हम डिटेल में समझाए थे, और ये लेक्चर नंबर 10 में आप जा करके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 10 में आप देख लेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। और हम जब 10 पढ़ाए थे तो हमने ये आपको बताया भी था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI हमने लिखा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम आ जाएं मेथड्स पे, तो कौन कौन से मेथड हैं वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो पहला न्यूटन मेथड्स है, उसके बाद डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एनालोगस मेथड है, एनर्जी मेथड है, रिले मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड है। हमने आपको बताया था कि न्यूटन मेथड्स, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल मेथड और एनालोगस मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर एनर्जी मेथड, रिले मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, ये तीनों मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने बताने के बाद, ये इक्वेशन हमने समझाया था फ्री बॉडी डायग्राम करके। अब न्यूटन्स मेथड की यदि बात करेंगे तो ये आपका न्यूटन मेथड्स है कि इनर्सिया फोर्स इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, और ये इक्वेशन निकल करके आया था, ठीक है। अब इनर्सिया मेथड में आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो ये हम समझाए थे फ्रीक्वेंसी ये आपका निकला है 1/2π√km, ठीक है, ये सब उसी का है। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी हमने आपको यही समझाया था कि कोई भी डायनामिक सिस्टम हो, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जनरली डायनामिक सिस्टम को इक्विवेलेंट स्टैटिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई रिवर्स इनर्सिया फोर्स इक्वल टू अपोजिट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, और ये दोनों को सम कर दिए तो जीरो आ गया, यहाँ भी इक्वेशन वही मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन अलग नहीं मिलेगा। फिर एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, ठीक है, टोटल एनर्जी है ही कौन सा, इसके साथ काइनेटिक एनर्जी और इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम एक्स डॉट के स्क्वायर, बताए थे कि वेलोसिटी को एक्स डॉट लिख सकते हैं, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमारा निकल गया है। फिर यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रख दिए, एक्स डॉट क्या हो जाएगा ए डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी, एक्स डबल डॉट क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इसको, इसकी वैल्यू को हम इसमें रख दें, इस इक्वेशन में देखिए यहाँ रखे हैं, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी जीरो हो नहीं सकता है, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के क्या होगा जीरो होगा, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम, ये निकल गया। उसी तरह से रिले मेथड, ये तो एनर्जी मेथड था जहाँ पे टोटल एनर्जी को हमने कॉन्स्टेंट किया था। अब रिले मेथड में क्या होता है कि टोटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं, टोटल, टोटलिटी में बात हो रही है, ठीक है। तो टोटलिटी में बात होगी तो वहाँ भी यही इक्वेशन हम रखे तो ये निकल करके आपका आ गया। और इक्विलिब्रियम मेथड में हमने आपको बताया है कि सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, तो टोटल फोर्सेस शुड बी जीरो, इक्विलिब्रियम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल फोर्स शुड बी जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टोटल सिस्टम इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी जीरो। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलते चलते हम बता दें कि ये जो आपने समझा, ये देखिए वर्टिकल सिस्टम है, ठीक है ना, वर्टिकल ही है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकता है, हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं, कैसे, यहाँ पर इसको ये स्प्रिंग है, ठीक है ना,
और ये यहाँ पर डैम्पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये मास है, मास को ये दो रोलर पर रख दिए, ठीक है ना, और इसको यही सिंपल सी डैम्पिंग कोफिशियंट सी और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गया कि नहीं, और ये मास एम और इसको आप जो है डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए एक्स, ठीक है। तो सेम जो फार्मूला यहाँ लगता है वही सिस्टम यहाँ लगता है, हॉरिजॉन्टल हो कि वर्टिकल हो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है सिस्टम पे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये रिले मेथड, एनर्जी मेथड, एलिमेंट्स ऑफ इक्वेशन, फूरियर सीरीज, ये सब जितना भी हम बताए, ठीक है ना, ये सारे सिस्टम आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी जो है किए हैं, न्यूमेरिकल आपको याद है कितना किए हैं, लगभग 25 प्लस न्यूमेरिकल इसमें हम लोगों ने किए हैं, ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे न्यूमेरिकल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए, पूरा जो भी हाइलाइट्स थे फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर मतलब लेक्चर नंबर 01 से लेकर के 14 तक, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है ना, ये चैप्टर वन, ठीक है। और अब चैप्टर वन में, मतलब चैप्टर वन में लेक्चर आपका 01 से लेकर के आप 14 तक तो ये लेक्चर हो गया, और इसमें लगभग 20 प्लस न्यूमेरिकल तो है ही है, ठीक है ना। तो इन सभी लेक्चर्स को और न्यूमेरिकल को देखेंगे आप तब जा करके, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आपका चैनल है मेक पंडित, उसके उसमें आप जाएंगे किसमें, प्लेलिस्ट में, किसका प्लेलिस्ट, मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्लेलिस्ट में, किसका, मैकेनिकल वाइब्रेशन, उसमें सारे वीडियो इन सीक्वेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। हर एक वीडियो को थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन आप 4 घंटा जाकर कहीं सिनेमा देखते हैं उसके बजाय मैं आपसे ये कहूँगा कि ये 4 घंटा आप ये देखें, तो आपका नॉलेज भी इनहांस होगा, स्किल भी इनहांस होगा, और जो है आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बनेंगे डेफिनेटली, यदि आप सारे वीडियो को देखते रहते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग अब चैप्टर 2 में डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन पढ़ेंगे, फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ेंगे, आगे इस तरह से अपना सीक्वेंस चलते जाएगा, तब तक जब तक कि कम से कम इस पूरे वाइब्रेशन का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, और सिलेबस कंप्लीट होने में लगभग 200 प्लस वीडियो अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे वीडियो को देखिए और जो है अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।